उसने तो कहा था कि ये विहान है और मुझसे मिलने आया है। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। एनी टाइम। हैव अ गुड डे। यू टू। बाय। बाय। What the hell? क्या मजाक है ये? वो मैडम। You just keep quiet. Not one word from you. आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो औरत है ना? और फिर भी आपने मेरे साथ ये किया? Shame on you guys. देख पुत्र, हमने तो Please. मैं भूल चुकी थी कि आपके घर में तो कोई बेटी ही पैदा नहीं हुई ना? बेटी होती तो शायद आप समझते कि लड़कियों को किस किस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। आपने तो एक बेटे को पाला और वो भी एक ऐसा बेटा जो किसी लड़की की फीलिंग्स की बिल्कुल कदर नहीं करता है। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनी खोल लेने से और बहुत सारा पैसा कमा लेने से ना डिग्निटी नहीं मिलती है। बहुत सुना था वत्सल परिवार के बारे में, आज देख भी लिया। अब मुझे समझ आइए कि क्यों आपके बेटे का रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा था। आप दोनों तो ना, अरे मैडम, इनको कुछ पता ना है, इनसे तमीज से बात करिए। चुप हो जा मनोहर, बोलने दे उसे, उसका अधिकार है हमें सुनाने का। बेटा माफ कर दो हमें। माफी माय फुट, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को एक लड़की के साथ इतना चीप मजाक करते हुए। आई एम ट्रूली डिसअपॉइंटेड। अनीशा, चलो दीदी। ताई माँ, चाची माँ, बात तो सुनिए। अरे सर जी, मैंने संभालने की बड़ी कोशिश की, पर सर जी मैंने कुछ बोल के जाती तो कोई फर्क ना पड़ता, और माँ को खूब खरी खोटी सुना के चली गई। सर जी पूरे मॉल में बेइज्जती कर दी उसने। आया नहीं ना अब तक, वो आएगा भी तो कैसे? हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को? आज पहली बार तेरी नजरें हमारे सामने झुक रही हैं। तुम्हारी नजरें नहीं, हमारी झुकनी चाहिए विहान, क्योंकि कहीं ना कहीं हम माएं फेल हुई हैं, तुम्हें दिए हुए संस्कार फेल हुए हैं, शर्मिंदा है हम। सात माओं का बेटा, एक ऐसा मर्द जिसकी सारी जिंदगी औरतों के बीच गुजरी है, वो एक लड़की का अपमान कैसे कर सकता है? आज तो तूने हमारी परवरिश पे सवाल खड़े कर दिए ना।
नहीं विहान, माफी नहीं मिलेगी तुझे। तू तुझे एक माँ ने पिला है, लेकिन संस्कार, संस्कार तुझे सात माओं ने दिए हैं। आज तूने हम सबका अपमान किया है। नहीं माँ, मैं जानता हूं कि मुझे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं आप सबसे। भूल मेरी थी जब मैं इस बात की गहराई को नहीं समझा। भाई माँ, चाची माँ, मैं आप दोनों से भी माफी मांगता हूं कि मेरी वजह से आपको इतना अपमान सहना पड़ा। आप सबसे माफी मांगता हूं, आपको शर्मिंदा की दिल दुखाए। दिल दुखाया नहीं है विहान, दिल तोड़ा है। क्यों विहान, हम में से कभी भी किसी ने जबरदस्ती की है शादी के लिए? तो फिर मना कर देता, और आज से इस घर में कोई तुझसे नहीं कहेगा कि इस घर के लिए बहू ले आओ। नहीं दादी माँ, वो बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है बताओ हमें, कैसी बात है? हाँ, ठीक ठीक है, जो जो होना था सो हो गया। लेकिन विहान, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। उस वक्त तो ऐसा लगा ना इसका मुंह तोड़ दूं, इसकी पूरी कंपनी में आग लगा दूं। फिर मैंने सोचा जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मॉम डैड तो हाथ मुंह पैर धोके मेरे पीछे पड़े हुए थे, शादी कर लो शादी कर लो। अब एटलीस्ट वो अपनी चोंच बंद रखी शादी वादी को लेकर, पर ऐसे घर में ना मुझे जाना ही नहीं था। अरे एक सास नहीं संभलती है वहाँ, एक नहीं दो नहीं सात सास हैं। I can't believe this. और नहीं तो क्या, व्यास से शादी करना ना अपने आप में एक सुपर डेंजरस एडवेंचर है। Point. Think of the devil. How dare he can just... Listen, Vyan, I'm not interested. Don't you dare call me again. Anisha, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैंने Listen, Vyan, मुझे कभी call नहीं करना. Don't you ever call me again. Do you get that? Anisha. God. आज क्या कर दिया मैंने? Vihan Vatsal? वो वही जो वो वहां क्या कर रहे थे? उनका ड्राइवर वहां शादी के लिए लड़की देखने आया था, उसी के साथ ये भी आ गए। तो क्या इतना सारा सामान तू उनके साथ ही? हाँ, अरे जबरदस्ती कहने लगे मुझे भी शॉपिंग करनी है।
मैंने कहा चलिए तो साथ में हो लिए। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक एक ड्राइवर के साथ मॉल में, जबकि ड्राइवर को लड़की देखने जाना था, फिर तेरे साथ ये दाल चावल की खरीदारी। समझी नहीं मैं, बात कुछ और लग रही है। और क्या बात हो सकती है? बिस्किट वगैरह नहीं है? क्यों, डाइट नहीं आज तेरी? मतलब भूख भी ना लगे? कैसे लग सकता है भूख तुमको, वहां व्यू ने कुछ भी खाया नहीं है। क्यों, माँ की डांट से तो उसका पेट भर ही गया होगा। हाँ मुझे भी लगता है कुछ ज्यादा ही डांट दिया, बेचारे की आंखों में आंसू आ गए थे। ये लो, जब ये दोनों आए थे तो खुद ही आंखों में आंसू भर कर आए थे, थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सके। ये तो क्या बोल रही है मिनी, विहान को डांट पड़ी है क्योंकि उसने गलती की, और ये बिल्कुल जायज है। हम ये गलत शिक्षा देंगे तो उसे सही रास्ता कौन दिखाएगा? लाड प्यार एक जगह, लेकिन दादी माँ, सामान उठाया? हाँ। फिर क्या, सामान लिया और घर चले आए। माँ सोचो ना, उन्होंने भी अपने घर पे बताया होगा कि आज उन्होंने आटे दाल सिंघाड़े की शॉपिंग की। उनके घर वाले कितना हंसे होंगे ना उन पर, लगे होंगे उनके घर वाले उनकी टांग खींचने में। दर्द हो रहा है ना? वो तो होगा ही बेटा, You so deserve it. ऐसे कान पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। वादा कर, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। नहीं करूंगा ताई मां, कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब तो माफ कर दीजिए। माफी वाफी तो ठीक है, पर तू एक बात बता, घुटनों के बाल क्यों बैठा है? ये हरप्रीत घुटने दर्द कर रहे होंगे तेरे, ला दबा।
मैं बर्फ लेकर आती हूँ। सॉरी चाची माँ। बहुत परेशान किया ना हम लोगों ने तुझे। नालायक, अच्छी तरह जानता है कि ज्यादा देर तक तुझे तकलीफ में नहीं देख सकते ये सब, तो इसी का फायदा उठाता है ना तू। नहीं दादी माँ, ये बात नहीं है दादी माँ। ठीक है ठीक है। अच्छा विहू, अब सच सच पता, अगर तू अनीशा के साथ नहीं था तो इतनी देर मॉल में क्या कर रहा था, किसके साथ था? हाँ हाँ बोल ना। अरे बोल। वहाँ पे मेरा एक दोस्त मिल गया था, तो मैं उसी के साथ बस शॉपिंग मॉल में घूम रहा था। कौन दोस्त? और मिला था या थी? ओहो मदर इंडिया, हम सिर्फ दोस्त हैं, इसके आगे ना कुछ सोचना भी मत। वैसे भी मैंने अपने आप को बहुत मनाया उनसे दोबारा दोस्ती करने के लिए, हमेशा सिर्फ उनकी दोस्त बनकर ही रहूंगी। हैं विहू? सच बोल। बोल। था दोस्त मिला था, वो आरुष कुमार, आरुष कुमार। ये लो, मुझे लगा कोई आरुषी वगैरह होगी। अरे चलो अब जल्दी से कुछ खाना दो, पेट में जो चूहे है ना मुंह पिलाकर बैठे, अब तक खाना क्यों नहीं मिला उनको? बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, मजाक में मैंने इतना सब सोचा ही नहीं, सारी माँ ने मुझे माफ कर दिया, आप भी कर दो ना प्लीज। जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर क्या विहान, माफी मांगकर जो तूने उस लड़की के साथ किया वो तो पलट सकता है? ऐसी माफी तुझे बाकी माए दे सकती है, मैं नहीं। तुझे अंदाजा भी है कि उस लड़की पर क्या गुजरी होगी? कितना मन बनाकर वो अपने लिए लड़का देखने आई थी, कितना बुरा लगा होगा जब उसे पता चला कि वो अपनी दिल की बातें एक ड्राइवर के साथ बांट रही थी। विहान, अगर तेरी बहन होती और उसके साथ किसी ने ऐसा बर्ताव किया होता तो? पता है ना, बहुत शर्मिंदा हूं मैं, मजाक में मैंने इतना सब सोचा ही नहीं। ना बेटा, गलती तो हमारी है, इतने लाड़ प्यार से तुझे पाला है ना, कभी कभी तो डर लगता है कहीं ये प्यार ही तुझे बिगाड़ ना। नहीं माँ, नहीं माँ, I'm sorry, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, आप जानती है ना, आप सबकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। विहान, बस बस बेटा, विहान, बस बस बेटा, अरे
इतना बड़ा हो गया है। और सुन, लड़कियां रोती है अपनी विदाई में, होने वाले दूल्हे नहीं। सॉरी मां।